यूरिन में नॉर्मल कितना प्रोटीन आता है, और दूसरा ये कि यूरिन में अगर प्रोटीन आने लगे तो क्या ये खतरे की घंटी है, क्या ये किडनी खराब होने के बारे में बताता है। तो यूरिन की जांच कराते हैं तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर रहते हैं, उन्हीं में से एक पैरामीटर होता है यूरिन अल्बुमिन, या उसी को हम यूरिन प्रोटीन भी बोलते हैं। यूरिन में जो प्रोटीन निकलता है उसका ज़्यादातर हिस्सा अल्बुमिन का होता है, इसलिए उसको अपन यूरिन अल्बुमिन टेस्ट या यूरिन प्रोटीन टेस्ट बोलते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि जब जाँच कराई जाती है तो जो नॉर्मल रेंज होती है वो ऐसी होती है कि जो इस समय मेथड अपने देश में अपनाई जाती है रिपोर्टिंग के लिए उसमें अब्सेंट होना चाहिए। यूरिन में जो प्रोटीन है, यूरिन में जो अल्बुमिन है वो निल लिखा होना चाहिए, निल है या अब्सेंट है ऐसा लिखा होना चाहिए, क्योंकि यूरिन में जो नॉर्मल रेंज दी जाती है प्रोटीन की वो 0 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, पर ये मात्रा काफी कम है, इतनी कम है कि जो नॉर्मल जाँच है उसमें वो अब्सेंट रिपोर्ट होती है। जिस तरीके से रिपोर्टिंग करी जाती है उसमें वो अब्सेंट रिपोर्ट होती है, और ऐसे लोग जिनमें यूरिन में प्रोटीन आने लगता है उसमें फिर उसकी ग्रेडिंग करी जाती है कि ट्रेस में है कि +1 है, +2, +3। तो जितना प्लस में यूरिन में प्रोटीन बढ़ता जाएगा इसका मतलब है कि पेशाब में प्रोटीन उतना ज्यादा लीक कर रहा है, मतलब कि बीमारी उतनी ज्यादा गंभीर है। तो लोग ये पूछते हैं कि यूरिन में नॉर्मली कितना प्रोटीन होता है, तो यूरिन में नॉर्मली थोड़ा सा प्रोटीन जाता है लेकिन जो आपको रिपोर्ट मिलेगी उसमें अब्सेंट होना। अब आ जाते हैं कि मान लो किसी के यूरिन में प्रोटीन आने लगा तो क्या ये खतरे की बात है, किडनी खराब होने के बारे में बताता है क्या। तो हर बार यूरिन में प्रोटीन आए इसका मतलब किडनी खराब हो गई ऐसा नहीं है, यूरिन में प्रोटीन आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और ज्यादातर बार ऐसा देखा गया है कि यूरिन के अंदर जब इन्फेक्शन हो, चाहे किडनी में हो जिसको हम लोग पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, या उसके रास्ते में इन्फेक्शन हो, ब्लडर के अंदर हो, यूरेटर के अंदर हो, इन्फेक्शन में यूरिन में थोड़ा सा आपको प्रोटीन +1 या ट्रेस अमाउंट का मिलेगा। ऐसे ही हीमेचूरिया होती है तब होती है, और किसी को मान लो फीवर है या हैवी एक्सरसाइज कर लिया या हाई प्रोटीन डाइट ले लिया, इस तरह के कई सारे कारण होते हैं जिसमें यूरिन में प्रोटीन आता है लेकिन काफी कम मात्रा में रहता है। जो यूरिन में रिपोर्ट होगा उसमें ट्रेस रहेगा +1, +2 तक हो सकता है। तो एक तो कारण ये भी हो गए, तो ऐसे कारण में जब आप जब ठीक हो जाता है तो अपने आप यूरिन में प्रोटीन आना बंद हो जाता है। लेकिन अगर किसी के यूरिन में प्रोटीन आ रहा है और उनको इस समय प्रेजेंट टाइम पे कोई अक्यूट इलनेस नहीं है, बुखार वगैरह नहीं है, और उनको बीपी और डायबिटीज की शिकायत, तो उनको ये खतरे की घंटी है, फिर उनको सतर्क हो जाना चाहिए कि यार ये डायबिटीज और बीपी से लगता है मेरी किडनी खराब होना शुरू हो गई। और जितना ज्यादा प्रोटीन लीक करेगा उतना किडनी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, तो फिर आपको किडनी से संबंधित सारी जांच कराना है, जैसे कि किडनी की सोनोग्राफी, कुछ केसेस में सीटी स्कैन, यूरिया की जाँच ब्लड में, क्रिएटिनिन की जाँच, और इसके अलावा यूरिन में अल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो देखना। ऐसे कई तरह की जाँचें होती है जिससे हमें किडनी के बारे में देखना होता है कि डैमेज तो नहीं हो गई है, और जो भी बीमारी के कारण आपके यूरिन में अभी प्रोटीन आ रहा है, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, या किडनी की कोई ऑटो इम्यून बीमारी हो, या किसी दवा से किडनी खराब हो रही हो, या किसी इन्फेक्शन से खराब हो रही है, उसको पूरा जांच करके फिर उसका इलाज किया जाता है ताकि किडनी ना खराब होने पाए। तो ये जो लोग पूछते हैं कि यूरिन में प्रोटीन कितना होता है, तो नॉर्मली बहुत कम होता है, और अगर यूरिन में प्रोटीन आने लगा तो हम लोग कारण को देखते हैं और उस हिसाब से इलाज करते हैं। और स्पेशली ऐसे लोग जिनको डायबिटीज ब्लड प्रेशर है, या किसी ने बताया या जांच में आया कि डॉक्टर ने बोला कि आपको हल्का किडनी की समस्या है, किडनी खराब होने लगी है, तो जरूर ध्यान रखें कि यूरिन में प्रोटीन अल्बुमिन नहीं आना चाहिए, नील होना चाहिए। आ रहा है मतलब किडनी डैमेज हो रही है, तो ये इसका यूरिन प्रोटीन और अल्बुमिन का मतलब होता है। तो अगर आपकी यूरिन में प्रोटीन अल्बुमिन आ रहा है तो ये इसको आपको सावधानी बरतना है, तुरंत सारी जाँच करानी है, डॉक्टर से मिलना है, और इसका पूरा प्रॉपर इसकी जड़ तक जाना है कि क्या कारण हो सकता है।